Hello my lovely students. this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are on the fourth question of exercise 4.3. The question says the sum of the reciprocals of Rehan Rehman, sorry. द सम ऑफ द रेसीप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर्स थ्री ईयर्स अगो एंड फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ इज वन अपॉन थ्री फाइंड हेज प्रेजेंट एज सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है एक लड़का है एंड उसकी एज की बात हो रही है निकालनी क्या है प्रेजेंट एज एक चीज क्लियर है जो भी निकालना होता है उसको एक्सलेट कर लेते हैं सो वील स्टार्ट विद लेट दी प्रजेंट एज सो प्रेजेंट एज को हम लोग एक्सलेट कर लेंगे ठीक है एक्स ईयर्स हो गई अब यहां पे बात का क्या हुई है थ्री इयर्स अगो एंड फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ थ्री इसो उसकी एज क्या होगी फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप टेन ईयर्स के हो ठीक है एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर अभी टेन ईयर्स के हो तो तीन साल पहले आपकी एज क्या थी कैसे निकालोगे टेन माइनस भी कर दो भाई सेवन ईयर्स के थे क्या किया हमने प्रेजेंट एज में से थ्री माइनस कर दिया सो एज थ्री ईयर्स अगो कितनी होगी प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो एक्स में से थ्री माइनस ठीक है सेम चीज यहां पे बोला है फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अभी जो एज है उससे पांच साल बाद तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी एज टेन ईयर्स है तो पांच साल बाद कितनी होगी सिंपल टेन प्लस फाइव कर देंगे यहां पे भी यही करेंगे सो एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी अभी प्रेजेंट एज क्या है एक्स प्लस फाइव हो जाएगा प्रेजेंट एज एक्स है ना तो उसमें हो गया। तो हमारे पास आ गया लेकिन हमें यहाँ पे ये वर्ड नहीं छोड़ना रेसिप्रोकल बोला है इन दोनों एज के रेसिप्रोकल की बात हो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं सिंपल कोई नंबर है फोर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन फोर अगर कोई नंबर है एक्स तो उसका रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन एक्स

कितना दे रखा है तो दिस इज इक्वल टू सो तक अब हमें मिल गई है अपनी इक्वेशन लेकिन अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं क्योंकि स्क्वायर नहीं दिख रहा बट थर्ड क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं सो so, अब हमें क्या करना है पहले तो इसको रब कर देते हैं हां जी सो so, यहाँ पे लेंगे हम इसका एल सी एम सो ये एल सी एम लिया यहाँ पे है एक्स माइनस थ्री ये हो गया एक्स प्लस फाइव ओके okay, सो so यहाँ पे x माइनस थ्री है एक्स प्लस फाइव नहीं है तो ऊपर आ जाएगा x प्लस देन बीच में प्लस ही है इधर x, -5, x -3 नहीं है तो यहाँ पे आ गया x अब तो इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा x प्लस एक्स टू एक्स फाइव माइनस थ्री टू हो जाएगा लेकिन प्लस का क्योंकि हमारे पास बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है अपॉन में अभी होगा मल्टीप्लाई पहले x इस पूरे से होगा x इंटू एक्स एक्स स्क् एक्स इंटू फाइव थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं टू एक्स प्लस टू एज इट इज अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस माइनस माइनस फाइव में से थ्री माइनस करेंगे टू एक्स आ जाएगा लेकिन प्लस का क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन एस साथ में माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और वन इसके साथ वैसे तो मल्टीप्लाई होगा सेम ही रहेगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो थ्री को मल्टीप्लाई करना है हमें सो वी हैव अरे सॉरी थ्री मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस टू से सो टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू वन हमारा मल्टीप्लाई होगा एक्सक्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन से सो एक्सक्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन क्रॉस मंडी यहां मैंने डायरेक्ट वन से मल्टीप्लाई होके वन ही रहना था सो so, इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर द थ्री टू जॉ सिक्स एक्स हो गया प्लस थ्री टू जॉ सिक्स इक्वल्स टू ये हमारा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन एक साइड कर लेते हैं यहाँ पॉजिटिव ही एक्सक्वायर इन सबको उधर ले जाते हैं सो so, ये हो जाएगा एक्सक्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन ये इधर आएगा माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो ओके फर्दर देख लो अब यहाँ पे हम इसको एक्स वाले टर्म्स को और नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्र एज इट इज ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स में से टू माइनस करेंगे फोर एक्स लेकिन माइनस का सो माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी वन माइनस माइनस साइन माइनस का ही रहेगा दोनों के साथ ही माइनस का साइन है इक्वल्स टू जीरो सो फाइनली वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हमें बस यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे सो ट्वेंटी वन के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके फोर आए एंड मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी वन है तो सिंपल है ट्वेंटी वन के फैक्टर्स सेवन और थ्री ले सकते हैं सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन होता है और सेवन माइनस थ्री फोर होता है करेक्ट सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस क्योंकि बड़े वाले के साथ हमें चाहिए होगा माइनस फोर चाहिए ना तो माइनस सेवन एक्स लिखेंगे पहले प्लस थ्री एक्स ये हो जाएगा ना प्लस माइनस माइनस सेवन में से थ्री गए फोर माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे एक्स कॉमन है सो ये आ जाएगा एक्स माइनस सेवन एंड यहाँ पे देखो हमें क्या कॉमन थ्री कॉमन मिलेगा तो थ्री कॉमन ले लिया ये आ जाएगा एक्स माइनस सेवन अगेन इक्ल्स टू जीरो एक्स माइनस सेवन आ गया कॉमन यहाँ पे बचा एक्स प्लस थ्री तो x की दो वैल्यूज क्या आएंगी यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू सेवन और यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस अब देखो x हमने क्या लेट किया था h तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती तो x के नॉट बी माइनस ही देर फोर एक्स हमारा हो गया सेवन so, सो x की वैल्यू आ गई सेवन मतलब प्रेजेंट एज जो हमें निकालनी थी वो आ गई सेवन यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज इज सेवन ईयर्स ठीक है सिर्फ यही निकालनी थी अगर आपको क्वेश्चन बाकी बोलनी भी होती कहीं होती तीन ही के लिए हम कर देते सेवन माइनस थ्री और यहाँ पे सेवन प्लस फाइव बट ये हमें करना नहीं है सिर्फ प्रेजेंट एज पूछी थी एंड दैट इज सेवन ईयर ओके सो दिस फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री आई होप क्वेश्चन इज क्लियर सिंपल था क्वेश्चन हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह है बट अच्छे से समझोगे तो ईजी लगे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं एज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होंगे ठीक है सो नाव वील मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाई